दोस्तों, क्या रेल से कटते हुए जानवरों को बचाने के लिए भारतीय रेलवे क्या करती है? इन सब में भारतीय रेलवे को कितना नुकसान होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से निकलती है तो कानपुर तक कम से कम 10 जानवर ट्रेन के सामने आ जाते हैं। इन जानवरों में गाय, भैंस, बकरी आदि सब होते हैं। इनके अलावा बाइक सवार, साइकिल सवार, आदमी और औरतें भी ट्रेन की चपेट में आ जाती है। रेलवे को इन सब वजह से आर्थिक और समय का नुकसान होता है। लोग अपने गाय भैंस को चारा खिलाने ट्रैक के किनारे ही लाते हैं। ट्रैक के पास दो फायदे हो जाते हैं, जानवरों को हरी और नरम घास मिल जाती है और चरवाहों को ट्रेन आते जाते देखकर उनका टाइम भी पास होता। इस वजह से हादसे होते रहते। इन जानवरों को कटने से बचाने के लिए रेलवे दो काम कर सकती है। ट्रैक के किनारे कुटीले तार लगा सकती है या आदमियों को नियुक्त कर सकती है। कुटीले तार कहीं कहीं पर लगाए गए लेकिन पूरे रेलवे लाइन में तार बिछाना संभव नहीं है। और एक बार जब राष्ट्रपति दिल्ली से कानपुर जा रहे थे तो ट्रैक के किनारे आरपीएफ, जीआरपीएफ पुलिस वाले को तैनात किया गया था, लेकिन परमानेंट इनको भी तैनात नहीं किया जा सकता। तो इसका यही उपाय है कि लोगों को ट्रैक से दूर रहना चाहिए। और क्या आप रेलवे लाइन पर जाते हैं? यस या नो लिखकर कमेंट में जरूर बताना। और क्या करने जाते हैं?